चक्रासन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटनों से, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पहले हाथों की हथेलियों का रुख आसमान की ओर है, फिर ये दोनों हाथ कंधों के नीचे आ जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए बीच से धीरे धीरे उठाएंगे, जितना उठा पाए उतना उठाएं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैर सीधे कर देंगे, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आसनों में सावधानी वह भी आवश्यक होती है, खास करके रोगी व्यक्तियों के लिए। अब जैसे जिनको सर्वाइकल स्पेलाइटिस पेन है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, उनको न सर्वांगासन करना है, न हलासन करना है, न चक्रासन करना है, न शीर्षासन करना है। ये कठिन आसन जिनको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सर्वाइकल स्पेलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क आदि है, उनको ये नहीं करना है। अर्थात सामान्य रूप से मैं कहूं तो जिनको बहुत कठिन रोग है, जटिल रोग है, असाध्य रोग है, उनको कठिन आसन नहीं करने। कमर में दर्द है, आगे नहीं झुकना। हर्निया है, पीछे नहीं झुकना। कोई भी ऑपरेशन करवाया है पेट का तो भी पीछे नहीं झुकना, और कपाल भाति आदि प्राणायाम भी करीब 6 से 8 महीने नहीं करना। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो ऐसे सामान्य रूप से शरीर विज्ञान का जिनको बोध हो वो समझ सकते हैं इस बात को।